नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं मैं आपका स्वागत है। भारत में 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन होता है और 1 अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। लेकिन नए फाइनेंशियल ईयर से आपकी जेब पर असर डालने वाले कई सारे नियम कायदे बदले जाते हैं। ऐसे में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव, बैंक मर्जर की वजह से नियमों में बदलाव, इनकम टैक्स नियमों में बदलाव जैसी जरूरी बातें आपके लिए जानना जरूरी हैं। इस दफे सैलरी स्ट्रक्चर और आयकर नियमों में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। आम लोगों के हाथ में आने वाले वेतन में कमी हो सकती है, हालांकि बचत बढ़ जाएगी। 2019 में पारित वेतन संहिता अधिनियम के तहत कर्मचारी का मूल वेतन अनिवार्य रूप से उसकी CTC यानी कॉस्ट टू कंपनी का 50% हो जाएगा। ये बदलाव होने वाले हैं। काम के घंटे 12 दिन, हफ्ते में 4 या 5। नए श्रम कानून भी लागू हो सकते हैं। इसके तहत रोज काम के घंटे 12 हो सकते हैं, लेकिन कामकाजी दिवस हफ्ते में 4 या 5 करने का प्रावधान है। अधिक PF निवेश पर देना होगा इनकम टैक्स। 1 अप्रैल 2021 से EPF अकाउंट में निवेश करने पर इनकम टैक्स देना होगा। नए नियमों के अनुसार जिस किसी का भी निवेश PF अकाउंट में सालाना 2.5 लाख रुपए से ज्यादा होगा, उसे अतिरिक्त निवेश पर इनकम टैक्स देना होगा। पैन आधार लिंक करवाने की आखिरी तारीख आज थी। सरकार ने पैन आधार लिंक करने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय की थी। इससे पहले लिंक करवाने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 थी। इसलिए अगर आप पैन आधार लिंक नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड अमान्य हो सकता है। 75 से ज्यादा उम्र वालों को ITR फाइल करने की मिलेगी छूट। 1 अप्रैल से 75 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को ITR भरने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने यह ऐलान हाल के बजट में किया था, लेकिन ये छूट सिर्फ उन नागरिकों के लिए है जो पेंशन या फिर FD यानी फिक्स डिपॉजिट से होने वाले ब्याज पर निर्भर हैं। प्रीफिल्ड ITR फॉर्म 1 अप्रैल 2021 से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया थोड़ी और आसान हो जाएगी। सिंगल टैक्स पेयर्स के लिए अब प्रीफिल्ड मतलब पहले से ही भरे हुए ITR फॉर्म दिए जाएंगे। इससे आम लोगों को ITR भरने की बोझिल प्रक्रिया से निजात मिलेगी। LTC छूट का आखिरी मौका। साल 2020 में सरकार ने LTC टैक्स बिल पर छूट देने का ऐलान किया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 12% या उससे ज्यादा GST वाली सर्विस की खरीदारी का 3 गुना खर्च करना था। लेकिन इस योजना का फायदा लेने के लिए LTC संबंधी बिल जमा करवाने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। नॉन सैलरीड क्लास पर ज्यादा पड़ेगी TDS की मार। 1 अप्रैल से नॉन सैलरीड क्लास लोगों जैसे फ्रीलांसर्स, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह की जेब पर अतिरिक्त टैक्स की मार पड़ने वाली है। इस फाइनेंशियल ईयर में ऐसे लोगों को अपनी कमाई में से 7.5% बतौर TDS का देना होता था, लेकिन अब इन्हें 10% TDS देना होगा। बढ़ सकते हैं कुकिंग गैस सिलेंडर के दाम। हर महीने की 1 तारीख को केंद्र सरकार LPG की जो नई कीमतों का ऐलान करती है। मार्च महीने में नई दिल्ली में सिलेंडर की कीमत 769 रुपए से बढ़कर 819 रुपए हो गई थी। वैश्विक बाजारों में लगातार पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने की वजह से सरकार कुकिंग गैस की कीमतें बढ़ा रही है। हो सकता है आने वाले अप्रैल महीने में आपको कुकिंग गैस सिलेंडर और ज्यादा महंगा मिले। लागू होगा 7वां वेतन आयोग। 1 अप्रैल से नए लेबर कानून को लागू किया जा सकता है। इससे पहले सरकार ने ऐलान करके कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस यानी DA बढ़ाया था। अगर ऐसा होता है तो कर्मचारियों पर इसका मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कर्मचारियों का PF कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है और इन हैंड सैलरी कम हो सकती है। AC, कूलर, फ्रिज की कीमतें बढ़ सकती हैं। गर्मी का सीजन आ चुका है और ऐसे में AC, कूलर, फ्रिज जैसी चीजों की डिमांड ज्यादा रहती है। कई सारी कंपनियां अप्रैल महीने से अपने प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा सकती हैं। कार में ड्यूल एयरबैग होगा जरूरी। सड़क और हाईवे मंत्रालय ने तय किया है कि सभी नई पैसेंजर गाड़ियों में 1 अप्रैल से ड्यूल एयरबैग होने चाहिए। पहले से मौजूद मॉडल्स के लिए कंप्लायंस की तारीख 31 अगस्त रखी गई है।
45 से ज्यादा उम्र के लोगों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन। 1 अप्रैल से सरकार ने अब कोरोना वैक्सीनेशन 45 साल से ज्यादा के सभी लोगों के लिए खोल दिया है। सरकार ने ये बात हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी। 5% टोल रेट बढ़े। देश भर की सभी टोल दरों में 1 अप्रैल से 5% की बढ़ोतरी होगी। वहीं मासिक पास की दरें भी बढ़ेंगी। उदाहरण, 20 किलोमीटर का मासिक पास 275 रुपए की जगह अब 285 रुपए में बनेगा। ई इनवॉइस जरूरी होगा। बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B कारोबार में 1 अप्रैल से ऐसे सभी कारोबारियों के लिए ई इनवॉइस अनिवार्य होगा, खासतौर पर जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से ज्यादा है। बैंक ग्राहकों के लिए एक अहम खबर है। 1 अप्रैल 2021 से कई बैंकों की चेकबुक और पासबुक अमान्य हो जाएगी, यानी आप इनमें से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसा कई बैंकों के आपस में विलय के कारण हुआ है। केंद्र सरकार ने कई सरकारी बैंकों का विलय कर दिया है, जिसके कारण नए वित्त वर्ष से ग्राहकों पर इसका असर पड़ेगा। इन बैंकों की चेकबुक और पासबुक हो जाएंगी अमान्य। विजया बैंक, आंध्रा बैंक, देना बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इन बैंकों की पासबुक और चेकबुक केवल 31 मार्च 2021 तक ही मान्य थी। ग्राहकों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए उन्हें नए डॉक्यूमेंट इशू करवाने होंगे। इन बैंकों के विलय की घोषणा अगस्त 2019 में की गई थी। देना और विजय बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ। आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हुआ। वहीं सिंडिकेट बैंक का मर्जर केनरा बैंक में हुआ। सिंडिकेट बैंक के ग्राहकों के लिए केनरा बैंक ने बताया कि चेकबुक 30 जून 2021 तक मान्य रहेगी। नमस्कार।